हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं दिल्ली एनसीआर का नंबर वन सर्विस सेंटर सूरज कंप्यूटर। आज ही हमारे पास एक कॉम्पैक्ट का लैपटॉप आया हुआ है जिसका मॉडल है V6000। इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये बहुत ही स्लो चलता है, जब कोई फाइल खोलते हैं तो बहुत ही टाइम लेता है। हम इसमें खोलते हैं, ये आपकी ये कोई फाइल वगैरह खोलते हैं तो ये बहुत ही टाइम लेता है। इसमें क्या है आपको हम दिखाएंगे, इसकी रैम जो है बहुत ही कम है, 512 MB की रैम है, तो इस वजह से ये इतना टाइम लेता है इसमें। तो यदि आपके पास भी कोई पुराना लैपटॉप हो और आप उसे फेंकने जा रहे हो, आप उसे फेंको मत, सूरज कंप्यूटर पे दिखाओ, उसमें जो भी प्रॉब्लम होगी उसका सॉर्ट आउट किया जाएगा। जैसा कि ये आपके पास है कि अब इसमें रैम नहीं है, आप ये बंदा इसको फेंकने जा रहा था, कह रहा था कि मुझे नहीं यूज करना है तो आप दूसरा दे दो, जिसका नॉर्मल काम है उसमें ये हम इसको 2 GB रैम कर देंगे तो ये मशीन बहुत अच्छी हो जाएगी। यदि आपके पास कोई भी पुराना लैपटॉप है और आप उसे फेंकने जा रहे हो, उसे फेंको मत, आप उसे सूरज कंप्यूटर्स पे दिखाओ, सूरज कंप्यूटर्स उसको रिपेयर करके देगा, या आपको वो बेचना है तो सूरज कंप्यूटर्स खरीदते भी हैं। वहां वो आपको दिखाते हैं कॉम्पैक्ट V6000 में हम रैम कैसे बदलते हैं, इसमें कौन सी रैम लगी होती है, ये सब हम इस वीडियो के माध्यम से आपको दिखाएंगे। सबसे पहले हम अपनी मशीन को ऑफ करते हैं। कभी भी मशीन पे बैटरी लगे हुए ही काम नहीं करना चाहिए या ऑन में काम नहीं करना चाहिए, मशीन को शट डाउन करो और बैटरी निकाल के ही उस पर काम करना चाहिए। अब ये देख रहे हो आप कितना टाइम ले रही है मशीन शट डाउन होने में भी, सब चीजों में टाइम लगता है क्योंकि इसमें रैम बहुत कम है। इसकी रैम हम यदि बढ़ा देंगे तो ये नॉर्मल काम के लिए जैसे वर्ड, एक्सेल, पीडीएफ वगैरह में काम करने पे बहुत अच्छी रेस्पॉन्स करना शुरू कर देगी। सबसे पहले हम अपनी बैटरी रिमूव करते हैं। आप ये देखोगे यहाँ पे ये एक निशान बना रहता है, ये रैम का निशान होता है, ये हार्ड डिस्क का लोगो, इसका हार्ड डिस्क का निशान होता है, जहां पे ये निशान होता है वहां से ही हमें खोलना होता है कि ये हमारी रैम लगी हुई है यहाँ पे। ये आप देखोगे ये हमारा रैम का पोर्शन आ गया है, दोनों दो लॉक होते हैं, ये लॉक है, इन लॉक को हम ऐसे प्रेस करते हैं, इस लॉक को ऐसे प्रेस करते हैं, हमारी रैम बाहर आ जाती है। तो ये रैम आप देखोगे, ये रैम इसमें एक 512 GB ही रैम लगी हुई है। अब हम इसमें इसको भी लगा सकते हैं इसके साथ, और 2 GB की एक सिंगल भी लगा सकते हैं क्योंकि इसमें 2 स्लॉट है। ये आप रैम देखोगे DDR2 की 2 GB पुराने मॉडल में, ये रैम भी आपको मिल जाएगी। यदि आपको DDR1 भी चाहिए तो सूरज कंप्यूटर्स पे DDR1 की रैम भी मिल जाती है। ये रैम हम लगाते हैं, नॉर्मली लग जाएगी, आप कट में इसको फिक्स करोगे और ये प्रेस कर दोगे। तो फिर हम चेक करते हैं अपनी रैम लगा के कि हमारा डिस्प्ले आ रहा है या नहीं आ रहा, क्योंकि रैम से ही हमारा डिस्प्ले बनता है। रैम जो होती है रैंडम एक्सिस मेमोरी होती है, ये आपको डाटा ट्रांसफर करने में काम करती है। ये हमारी आ गई है, ये रैम लगा दिया हमने, हमारा लैपटॉप रेडी हो गया है। इस प्रकार आप देखोगे ये हमारी मशीन रेडी हो गई है। यदि आपके पास भी कोई भी लैपटॉप हो, कुछ भी उसमें प्रॉब्लम आ रही हो, आपकी बैटरी रैम एक्सटेंड करानी हो, SSD एक्सटेंड करानी हो, बैटरी चेंज करानी हो, तो इस प्रकार के सब काम सूरज कंप्यूटर्स पर किए जाते हैं। यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो सूरज कंप्यूटर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।